अक्षय कुमार की नई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज जो रिलीज होने से पहले विवादों के अंदर घिरी हुई थी। एक तरफ राजपूत पक्ष था तो दूसरी तरफ गुर्जर पक्ष था। दोनों का कहना था कि पृथ्वीराज चौहान हमारी जाति के हैं, यानी कि राजपूत का कहना था कि वह राजपूत हैं और गुर्जरों का कहना था कि वह गुर्जर हैं। और ये मामला कोर्ट के संज्ञान में गया तो कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इसमें फैसला भी सुनाया है और इस पूरी मूवी को देखने के बाद में इसके ऊपर फैसला दिया गया है। फैसला क्या सामने आया है जिसमें आप सभी को बता दूं कि इसको कास्ट से जोड़ा नहीं गया है। इस पिक्चर के अंदर कहीं पर भी कास्ट से संबंधित कुछ भी बताया नहीं गया, तो इसीलिए इस विवाद को थमना पड़ा। और ये जो विवाद उठाता है कि इस पिक्चर को टैक्स फ्री कुछ कुछ जगह पर किया जा रहा है लेकिन बाकी जगह पर नहीं किया जा रहा, और दूसरी तरफ विवाद ये उठ रहा था कि गुर्जर हैं या राजपूत हैं, तो ये सभी विवाद अब थमते हुए नजर आए हैं जब ये पिक्चर रिलीज हुई है। अब पिक्चर तो रिलीज हो गई लेकिन इस पिक्चर की प्रतिक्रिया क्या देखने को मिली है लोगों में, जिसमें आप सभी को बता दें कि यह पिक्चर की प्रतिक्रिया लगभग 300 करोड़ रुपए इस पिक्चर को बनाने में लगे थे लेकिन पहले दिन बॉक्स ऑफिस के ऊपर मात्र 10 करोड़ रुपए ही इसकी ऑफिशियल इनकम देखने को मिल रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मूवी अभी लोगों के अंदर अपना रुतबा नहीं छोड़ पाई है और यह मूवी अक्षय कुमार की जो पहली मूवी आई थी उससे भी ज़्यादा हद तक फ्लॉप होती हुई नजर आई है। हाल फिलहाल इसको लेकर के अभी क्या कुछ अपडेट सामने आ रही हैं, क्या ये विवाद को लेकर के मुद्दा उठा हुआ था और अभी बॉक्स ऑफिस के ऊपर क्या कमाई चल रही है, सीधा रूबरू कराते हैं हमारे इस रिपोर्ट से। अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर स्टार फिल्म सम्राट पृथ्वीराज सिनेमाघरों के अंदर रिलीज हो चुकी है। अक्षय कुमार और मानुषी दोनों ने ही फिल्म को जोर शोर से प्रमोट किया लेकिन ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में गिर गई थी। ये विवाद यहीं नहीं थमा था बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट तक जाकर के पहुंचा था। नतीजतन दिल्ली हाईकोर्ट को फिल्म से जुड़े इस विवाद को निपटारा करवाना पड़ा है। फिल्म कास्ट न्यूट्रल है जिसको खुद दिल्ली हाईकोर्ट ने माना और जिसके बाद में विवाद से जुड़ा विवाद थम चुका है। वहीं इस विवाद की शुरुआत हुई और सबसे पहले आप सभी को बता दें कि इस विवाद की शुरुआत इसलिए हुई थी कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर हैं या राजपूत, और इसको लेकर के जब कोर्ट का फैसला सामने आया तो सभी लोग शांत हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बातचीत करें तो एक ही दिन पहले यानी कि 3 जून शुक्रवार को रिलीज हुई यह पिक्चर और इस फिल्म को फैंस और क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं। इसका असर बॉक्स ऑफिस पर भी देखने को मिला है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 करोड़ के मेगा बजट में बनी यह फिल्म ओपनिंग डे पर इंडिया से करीब 10 से 11 करोड़ रुपए ही कमा पाई है। बताया तो यह भी जा रहा है कि सम्राट पृथ्वीराज अक्षय की पिछली फ्लॉप फिल्म बच्चन पांडे का ओपनिंग डे रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाई है। इस हिसाब से सम्राट पृथ्वीराज अक्षय की एक और फ्लॉप फिल्म साबित हो सकती है और माना तो यह भी जा रहा है कि सम्राट पृथ्वीराज ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। वहीं ओपनिंग डे पर सम्राट पृथ्वीराज से अच्छा प्रदर्शन तो साउथ के सुपरस्टार कमल हासन की विक्रम और अदिति शेष की मेजर ने किया है। यह दोनों फिल्में सम्राट पृथ्वीराज के साथ 3 जून को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।